सभ्यता के इतिहास में और सभ्यता की प्रगति में बहुत सारे अच्छे काम हुए हैं, लेकिन कुछ जो चूकें हुई हैं उनमें से एक बड़ी चूक है कि बच्चे हमारी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्राथमिकताओं में नहीं रहे, और खासकर वो बच्चे जो हाशिए से बाहर छोड़ दिए जाते हैं। और यही कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। आप देखें कि एक तरफ हमने सालों पहले मंगल ग्रह में जाने का सोच लिया और मंगल ग्रह चले भी गए, प्लूटो में जाके फोटो ले आए, सब कई तरह की चीजों में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी करोड़ों बच्चे न केवल शिक्षा और स्वास्थ्य से वंचित हैं बल्कि गुलामी और बाल मजदूरी के शिकार हैं। तो हाँ, ये इसलिए हुआ कि उनको उनका फेयर शेयर यानी उनको जो न्यायपूर्ण भाग मिलना चाहिए था, विकास का जी लाभ उन्हें जो मिलना चाहिए था वो शायद नहीं दिया गया। जी शिक्षा के बजट हों, स्वास्थ्य के बजट हों, या और दूसरे उनके संरक्षण के बजट हों, दुनिया भर के देशों में वो प्राथमिकता में नहीं है, और यही कारण है कि ये हालत बनी हुई है। जो अंतर्राष्ट्रीय अनुदान है, जैसे ये जो कहा जाता है कि विकास के अनुदान है, ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंस, उसमें भी ये प्राथमिकता नहीं है, कानूनों में भी नहीं है। तो हम प्राथमिकता की बात तो हमेशा से करते रहे, लेकिन अभी हम कह रहे हैं कि उनको फेयर शेयर दीजिए, उनका सही सही भाग दीजिए। तो फेयर शेयर फॉर चिल्ड्रन, हमने एक विचार जो रखा उसके पीछे यही बात थी। मैंने पहल करके दुनिया भर के 80 नोबेल पुरस्कार विजेताओं, राष्ट्राध्यक्षों, भूतपूर्व राष्ट्राध्यक्षों को, संयुक्त राष्ट्र संघ के कई मुखियाओं को इकट्ठा किया और इसको लॉन्च किया, इस कैंपेन को, पिछले साल मार्च के महीने में, और सितंबर में फिर एक और उसको आगे बढ़ा के एक कार्यक्रम किया गया। तो बार बार हम ये कहते रहे कि फेयर शेयर फॉर चिल्ड्रन मिलना चाहिए, और इस साल चूंकि संयुक्त राष्ट्र संघ का बाल मजदूरी उन्मूलन वर्ष है, जी तो फेयर शेयर टू एंड चाइल्ड लेबर हमने कैंपेन चला रखा है, जिसमें दुनिया भर के कई देशों के भूतपूर्व राष्ट्राध्यक्ष वगैरह, जो मजदूरों की यूनियनें हैं, जो कॉरपोरेट जगत के कई संगठन हैं, और शिक्षकों के संगठन हैं, विद्यार्थियों के, छात्रों के, नौजवानों के संगठन हैं, वो सब शामिल हुए हैं दुनिया भर से। और हम ये मांग कर रहे हैं क्योंकि ये न्यायपूर्ण बंटवारा, न्यायपूर्ण भाग उनको मिलना चाहिए। तो हम कह रहे हैं कि फेयर शेयर इन बजटरी एलोकेशंस, तो सरकारों के बजट में और अंतर्राष्ट्रीय अनुदान में उनको फेयर शेयर मिले बच्चों को। इसके अलावा फेयर शेयर इन पॉलिसीज, तो हमारी जो भी नीतियां बने सरकार की और अंतर्राष्ट्रीय नीतियां, उनमें ये बच्चे प्राथमिकता के आधार पर हों, या कम से कम उनको उनका न्यायपूर्ण शेयर मिले। और तीसरा, फेयर शेयर इन सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स, तो ये जो हमारी सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रम हैं, जैसे भारत में मनरेगा है और मिड डे मील है, कई बहुत अच्छे कार्यक्रम चल रहे हैं, बहुत दिनों से चल रहे हैं, और उसका प्रभाव भी हमने देखा है। तो जब ये इस तरह के कार्यक्रम बने जो नागरिकों की, समाज की भलाई के लिए या उनके भविष्य को सुरक्षित करने के विकास कार्यक्रम के हिस्से हों, उनमें बच्चों को स्थान मिलना चाहिए, ये बात हमने वहां रखी और अब बार बार हम रख रहे हैं। इसके पीछे ही मंतव्य है कि हम एक न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए बच्चों के साथ न्यायपूर्ण स्रोतों का और पॉलिसीज का बंटवारा करें, इसके बगैर ये संभव नहीं होगा, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में बच्चे इस महामारी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शिकार बिल्कुल होने वाले हैं, हो गए हैं, कि सोच पाना मुश्किल है। तो अगर हम लोग एक बहुत बुनियादी परिवर्तन या एक बुनियादी मांग नहीं करते और उस दिशा में पहल नहीं करते, तो इसका खामियाजा शायद पीढ़ियों तक भुगतना पड़ेगा।